ढाई दिन पहले मैं बाजार में गया था कॉन्डम लेने। दुकान वाले भाई ने बोला ये 39 का, ये 69 का और ये 99 का। मैं बोला ये 69 का दे दे और एक राखी भी दिखा दे। मेरी कोई बहन नहीं है तो मेरे छोटे भाई को मैं ही राखी बांध देता हूँ। तो उसने बोला कि भाई ये 99 की राखी है, ये 139 की और ये 199 की। मैं बोला बस कर भाई, अब ये कॉन्डम भी रख ले और मार ले मेरी तू। ये सब जगहों पे 99 क्या लगा रखा है। अब किसी ने बोल दिया कि ये फलानी चीज 500 के बजाय 499 में बेचेगा तो वो बहुत ज्यादा बिकेगा। तो एक दूसरे को देख देख के सारे लोगों ने रुपया निकालना शुरू कर दिया। कोई 1,40,000 के फोन को 1,39,999 में बेच रहा है तो कोई 150 की राखी में से रुपया निकाल के बेच रहा है। जब मैं एक पेंसिल का बॉक्स लेने जाता हूँ तो मैं दिल में भावनाएं लेकर नहीं जाता दुकान वाले के पास कि भाई आज तो एक पेंसिल का बॉक्स ही दे दे, होमवर्क करने का इतना मन कर रहा है कि आज तो रो ही पड़ूंगा मैं। तो पेंसिल का बॉक्स बेचते वक्त अगर उन्होंने रुपया निकाल के बेचा, पेंसिल के बॉक्स को थोड़ा सस्ता दिखाने की कोशिश की कि ये 39 का बॉक्स है, ये 69 का और ये 99 का, तो यहाँ कोई कस्टमर का दिल नहीं टूट जाएगा। पर वहीं पे अगर कोई बहन राखी लेने जाती है और वहां उस राखी के पूरे 140 रुपए में से 1 रुपया निकाल के राखी को सस्ता दिखाने की कोशिश करे तो उस बहन की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। देखो कोई बोलता नहीं है पर मन ही मन में शंका रह जाती है कि 139 वाली नहीं वो पूरे 150 वाली दे दे। अगर मैं एक केटरर्स का धंधा चलाऊं और मेरे पास एक बाप आए अपनी बेटी की शादी के लिए और उन्हें मैं केटरर्स के सारे पैकेज दिखाऊं 99 की प्राइसिंग में तो उस बाप का मन भी अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। वहां पे 14 लाख के पैकेज में से 1 रुपया निकाल के उसे सस्ता दिखा के उस बाप के दिल को अधूरा अधूरा सा फील क्यों करवाना है। मान लो कि आपकी एक दुकान है स्मार्टफोन की और वहाँ एक भाई आकर बोले कि एक सैमसंग का अच्छा वाला फोन दिखा दो, स्पेसिफिकेशन मैक्स होनी चाहिए, तो उसे 1,40,000 के फोन में से रुपया निकाल के उस फोन को सस्ता दिखा के बेचने में कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो मैक्स स्पेसिफिकेशन लेने आया है, फील लेने नहीं। पर उसके बजाय कोई दूसरा भाई आकर बोले कि एक अच्छा वाला सैमसंग का फोन दिखा दो और आपको उनके पुराने फोन को देख के पता चले ये तो 5 साल पुराना लग रहा है, तो जो भाई पूरे 5 साल बाद एक नया फोन खरीदने आए हैं, उन्हें 1,40,000 के फोन में से रुपया निकाल के फोन को सस्ता दिखा के उनके दिल को अधूरा अधूरा सा फील क्यों करवाना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप समझ चुके हो मेरी ऑडियंस इतनी सस्ती नहीं है। तो आप एक काम करो, भारत में ऑलमोस्ट 139 करोड़ लोग है, सबके फोन में इस वीडियो को शेयर कर दो। गली गली में गूंज उठनी चाहिए कि ढाई दिन पहले मैं बाजार में गया था कॉन्डम लेने।